सुबह 5:30 बजे रानी कमलापति स्टेशन पर उतरने के बाद चाचा हमें लेने के लिए आ गए थे, और अब हम जा रहे हैं बड़े पापा के घर। तो बस वहाँ जाते ही हम लोग जो है ना सो गए थे, और उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। जब मैं उठूँगी तब मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू करूँगी। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? और अभी आज भोपाल में हमारा फर्स्ट डे, फर्स्ट मॉर्निंग। सो बस अभी हम लोग उठ गए हैं, नाश्ता पानी चल रहा है। दीवा देख रही है क्योंकि ब्लॉगिंग स्टार्ट हो गई, उसे भाग गई। जैसे ही मैं आई ना वैसे ही करती है, हाँ पप्पी आप वही हो ना जो मुरैना से आई हो, ब्लॉगिंग करती हूँ। मैंने कहा हाँ वही है। तो बस अभी मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है सुबह से। मैंने कंगा वंगा कुछ नहीं किया। फ्रेंड हमारे यहाँ सो रही है, आज हम यहीं सोए थे सुबह में, मम्मी बैठी है। तो यहाँ पे बड़े पापा मुझसे बोल रहे हैं कि इनको फ़ोन कर दो और उनको नीचे बुला लो ताकि वो नाश्ता कर जाएंगे, क्योंकि ये और पापा और भी जो गेस्ट आए हुए थे सारे जेंट्स वगैरह, वो सब जो है ना ऊपर वाले फ्लैट में सो रहे हैं। क्योंकि सभी की ट्रेन अलग अलग टाइमिंग पे थी, तो सभी जाकर ही तुरंत सो गए थे। तो बस इनको फ़ोन करके बुला रहे हैं नाश्ता करने के लिए, और यहाँ पर मैं अपनी चाय ले आई हूँ। क्योंकि अभी आए हैं ना नए नए, तो ना सभी थोड़ा सा कैमरा शाय हो रहे हैं, तो मतलब सबको मतलब ऐसे ही डायरेक्टर का कैमरा ऑन कर दो और तुरंत मतलब ऐसे एकदम से एडजस्ट नहीं हो पाते हैं कैमरे के सामने, लोग वक्त नहीं आना चाहते हैं। तो खैर कोई नहीं, ऐसे पहले मैं भी थी, मुझे भी थोड़ा सा हिचकिचाहट लगती थी कैमरे के सामने आने में। खैर अब तो आदत हो गई है मुझे भी, और मम्मी और मैं यहाँ पर चाय पी रहे हैं। और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे अपनी एक और चाची के घर, तो वहाँ पर जो है उनसे मिलेंगे। तो सबसे पहले तो है यहाँ पर नाश्ता कर लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से जाएंगे। और धीरे धीरे करके सारे गेस्ट भी आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि आज ही शाम का है प्रोग्राम, बैंक्वेट हॉल है बहुत दूर, तो वहाँ पर भी जाने की तैयारी करनी है, नहाना धोना करना है, क्योंकि सफ़र में आए हैं तो सफ़र में बहुत ज़्यादा थकावट सी हो जाती है, तो ऐसा लग रहा है कि बस तुरंत नहा लो। तो और वहाँ से जो है चाची के भी फ़ोन आ रहे हैं, नाजी चाची के, वो भी फ़ोन करके बुला रही हैं, तो उनके यहाँ पे भी जाएंगे। तो मतलब यहाँ पे हमारे बहुत सारे रिश्तेदार रहते हैं और सभी लोग ऐसे बुलाने में लगे हुए हैं, तो देखते हैं कहाँ कहाँ जाना हो पाता है हमारा, क्योंकि सभी लोग देखो थोड़ा दूर दूर पर रहते हैं, तो देखते हैं कहाँ पे जाना हो पाता है। लेकिन अभी तो फ़िलहाल हम नाश्ता करने के बाद हम जाएंगे नाजी चाची के क्या घर। चार्जर? हाँ वो फास्ट होता है ना। चलो चलो ना, इसकी बॉटल और ले। अरे वहाँ पे काम आम नहीं लगा, अजीब लग रहा था अभी, अजीब लग रहा था स्टार्टिंग में, इसलिए सबसे पहले मिल लिए सबसे, बाद में देखेंगे ब्लॉगिंग वगैरह है ना। तो गाइस अभी हम वहाँ से नाश्ता वाश्ता करने के बाद बड़े पापा के घर से निकलते हुए अब हम जा रहे हैं अपने चाचा, ठीक है? पुरैन भी आ रहा है हमारे साथ। तो भोपाल में हमारा ये फर्स्ट डे, फर्स्ट मॉर्निंग, अच्छा लग रहा है, बहुत टाइम के बाद आए हैं। और बस अभी मैं थर्ड टाइम है, नहीं नहीं मैं चल लूँगी। बोल रहा हूँ स्कूटी। आ गए हम चाचा के फ्लैट में, ज़्यादा दूर नहीं है, अपना घर यहाँ से चल मिलता है। अच्छा मोटरसाइकिल पे कितना, ये जो पूरा अपना ही है। अरे पार्किंग
सेकंड फ्लोर पे चाचा का, ये है हमारे अज्जू चाचा। लेकिन अज्जू चाचा का अभी तक मुझे सही नाम नहीं पता। अजमत भी अजमत भी चले जाओ, उसके अंदर चले जाओ। अस्सलाम वालेकुम। तो जी हम और चाची बैठकर के यहाँ पर दूसरे वाले रूम में बातें कर रहे हैं, बाकी मम्मी पापा सभी लोग आगे बैठे हुए हैं, ये भी आगे बैठे हुए हैं। और बस यहाँ पर आकर ही मैंने तुरंत नहाया है और उसके बाद यहाँ पर मैं अपने बालों को सुखा रही हूँ और चाची से भी बातें कर रही हूँ। मैंने चाची से पूछ लिया था चाची कैमरे में आना चाहती हो या नहीं, तो उन्होंने बोल दिया था कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि वो पहले भी आई हैं मेरी वीडियोस में, क्योंकि देखो पूछना ठीक रहता है। अभी वो नकाब वगैरह करने लगी है ना, तो इस चक्कर में पूछना ठीक रहता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी किसी को जो है ना कैमरा फेस करने का थोड़ा सा हिचकिचाहट लगती है उन लोग को, और परमिशन भी नहीं होती है ना, तो इस चक्कर में पहले ही पूछ लिया जाए तो ज़्यादा ठीक रहता है। वरना ये होता है कि हमें वीडियो में मत लेना, हमारी वीडियो मत डालना, तो ये चीज़ें ठीक नहीं लगती हैं। लेकिन उससे पहले ही पूछ लिया जाए, तो मैं जब भी ऐसा कुछ होता है ना तो मैं पहले ही पूछ लेती हूँ सभी से, है ना, तो ये ठीक है। और हर कोई कैमरे में आना पसंद नहीं करता है, तो इसलिए जितना भी हो सका मैंने अपना ही वीडियो बनाया है। और बस यहाँ पर अभी चाची और हम लोग बातें कर रहे हैं। चाची का घर बहुत अच्छा है, मतलब फ्लैट में ही रहती हैं वो भी, और इंटीरियर बहुत अच्छा लगा है मुझे इनके घर का, और बहुत मतलब नेचर भी बहुत अच्छा है चाची का। मैं जो है अभी यहाँ पर हुरैन के बारे में ही बातें चल रही हैं, और चाची बता रही थी कि हाँ हुरैन को हम बहुत याद करते हैं, वीडियोस में देखते रहते हैं, चाचा ही बोलते बहुत क्यूट है, तो ऐसे कुछ बातें चल रही थी हम सभी की। और बस यहाँ से जो है फिर अभी हम लोग जाएंगे सभी। तो नहा धोकर मैं हो गई हूँ रेडी, अभी फेस से कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ कपड़े पहने हैं और हेयर ड्राई कर लिए हैं। तो अभी हम आए हैं अपने अज्जू चाचा के घर, तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, चाची से मेरी बहुत अच्छे से बनती है, तो इसलिए बस मैं आ गई। और बस इनके घर का इंटीरियर मुझे अच्छा लगा, छोटा सा है लेकिन प्यारा सा है, बहुत अच्छा लगा।
तो इनके घर का इंटीरियर मुझे अच्छा लगा, क्योंकि जो चाची का बेटा है मुस्तफ़ा, वो जो है होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर चुका है, तो उसको सारी नॉलेज है, सारी चीज़ें उसने अपने आप से मार्केट जाकर सारी चीज़ें एक एक करके लेकर के आया, अपने हिसाब से चीज़ें कि उसको किस तरह से कैसा कलर चाहिए, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज थी घर पे, तो बहुत अच्छा लगा। और फिर जो है चाची बोलने लगी थी क्या खाना है क्या खाना है, तो मैंने कहा मैं तो मुस्तफ़ा के हाथ का ही पास्ता खाना चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छी रेसिपीज़ बनाता है। तो बस यहाँ पर अभी ये क्रीमी पास्ता उसने बनाया, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। तो अभी सभी लोग नहा लिए हैं और थोड़ी देर में बड़े पापा के घर के लिए भी निकलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं खा लेती हूँ पास्ता। तो अभी फिर से हम आ गए हैं बड़े पापा के घर, और यहाँ पर सभी की तैयारियाँ भी चल रही हैं साथ ही में। सो यहाँ पर बड़े पापा के कपड़े निकाले जा रहे हैं प्रेस करने के लिए भेजने हैं, और यहाँ पर मेकअप आर्टिस्ट भी आ चुके हैं, तो कुछ लोग तैयार भी हो रहे हैं, कुछ मेहमान आते जा रहे हैं। तो जो भी पार्टी वाला घर होता है ना, जहाँ पर प्रोग्राम होता है, तो उसके घर में इसी तरह से सारी तैयारियाँ चलती हैं। तो बस अभी मैं भी रेडी होती हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना है, सभी को टाइम दे दिया गया है, ठीक है। और बस यहाँ पर भी जो है मैंने थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दिया, उसके बाद हम लोग आ गए थे भानु भैया के फ्लैट में, जो कि ऊपर ही है 3rd फ्लोर पे, और इनके घर का भी इंटीरियर भी न्यू ही हुआ है, और काफ़ी अच्छा लगा था इनके घर पे भी। तो मतलब ये बड़े पापा के छोटे बेटे हैं, जिनका फ्लैट अलग से है और बड़े बेटे का अलग से है, तो इस तरह से है, और एक ही बिल्डिंग में ही तीनों फ्लैट। लवली बाजी ने अभी नया घर लिया है ना, उसमें लगवाया उन्होंने पूरे में पीवीसी पैनल पूरा। देखिए वही है ना, एक चीज देखते देखते बोर हो जाओ, फिर वो चेंज कराओ, 2-4 सालों में तो चेंज कराना पड़ेगा, 2-4 साल में तो चेंज कराना पड़ेगा, बस देखते देखते वो चेंज। तो बस यहाँ पर जो है ना, बच्चों के बारे में बातें चल रही थी कि बच्चे पेन जो है दीवारों पर चला देते हैं, और बस अभी बैठे हुए हैं, तो भाभी नाश्ता वगैरह लेने के लिए गई हैं। जो है भाभी हमारी जो है ना, कुछ टाइम पहले ही जो है अभी उमरा करके आई हैं भाई भाभी, और बड़े पापा बड़ी अम्मी हज करके आए हैं। तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा माहौल हो रखा है अब घर का, और बस भाभी जो है नाश्ते में जमजम लेकर के आई, और जो सऊदी के डेट्स होते हैं वो लेकर के आई थी, तो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि सऊदी की सारी चीज़ें जो भी होती है ना, उसको खाने में अलग ही मज़ा होता है, और वैसे वाले डेट्स जो है यहाँ नहीं मिलते हैं, सऊदी की अलग ही बात होती है। तो अभी हम आ गए हैं 5th फ्लोर गाइस पर, अभी हम आ गए टेरेस पे, और टेरेस पे आ गए हैं, और बस मेकअप वाले आ गए हैं, भाभी ने बुला लिया है, तो बस अभी रेडी होंगे, क्योंकि शाम के बज चुके हैं 4 और हम लोग को यहाँ से 6 बजे निकलना है वेन्यू के लिए, क्योंकि वेन्यू यहाँ से काफ़ी दूर है, 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा, तो सबसे बोला है कि 6 बजे तक रेडी हो जाओ, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा और सारे गेस्ट लोग आना शुरू हो जाएंगे, है ना। तो क्या हुआ, 5 नंबर का गेट लगा है, कोई सो रहा है। तो बस अभी यहाँ से चलते हैं, रेडी वेडी होते हैं, हुरैन तो सो रही है। चल रहे हैं, चलो आपको यहाँ का व्यू दिखा देते हो थोड़ा सा, काफ़ी अच्छी जगह पे है और काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। बड़ा ताल यहाँ से दिख रहा है, ये ड्रेस सूख रही है भाभी की, लग रहा है मुझे ड्रेस सूख रही है सूख गई बड़ा ताल। और यहाँ से दिखता रहा है बड़ा ताल, ये है बड़ा ताल यहाँ का।
जाएंगे हम, जाएंगे ऊपर भी कुछ है, ऊपर से गिरो लो। तो चलिए गाइस, इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं कर रही हूँ, मिलूंगी फिर से एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज। दिल को दिल लगी ना लगे, बाबा जी हम।